अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसका मतलब यहां से अगर हम इस मिरर को काटें तो, अच्छा ये कटता ही नहीं है, बहुत बढ़िया, ये कटेगा नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, ये फिगर नहीं कटती। हम क्या कह रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास इस स्फीयर है, इस तरीके से मैंने अगर यहां से इसको काटा तो जो स्फीयर जो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब ध्यान से देखो, अगर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा पार्ट बचेगा, क्योंकि स्फीयर है तो बॉल को काटोगे तो कुछ इस तरीके से बचेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? ये तो बिल्कुल आधे से हो गया, लेकिन थोड़ा सा कर्वेचर टाइप आएगा। तो मैंने कहा था रेडियस ऑफ अपर्चर जो होगा वो ये वाला आर होगा। तो एक्चुअल में आप कह रहे हो कि जहां से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यही वाला एरिया है तो रिफ्लेक्शन इसी से टेक प्लेस होगी। थोड़ा बड़ा एरिया होता तो बड़ा से मतलब वो जो एरिया होता वो और बड़ा हो जाता। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके okay. अच्छा अब सभी देखें, सभी को मैंने क्वेश्चन दिया था। अभी पहले वाले में इमेज फॉर्म नहीं होगी ना? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, करते हैं सारी चीजें, करते हैं धीरे धीरे करते हैं। ओके okay, ध्यान से देखते हैं। तो हमने क्या कहा, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वो वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस मेरे ट्रांस कर रही है। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, सर अभी आ रही है। क्लियर है। यस सर, यस सर, अभी क्लियर है। ओके अच्छा ध्यान से सुने, मैंने कहा बोला तो हमने कंकेव, हमने एक सेकंड यार, एक सेकंड, हाँ ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ से हमने ये कंकेव मिरर लिया। हाँ बेटा बोले। मैंने आपको सर व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछा था, रेशियो वाला। कब पूछा था? सर काउंसलिंग करने के बाद ही पूछा था मैंने, काम भेजने के बाद। नहीं कितनी देर पहले, कब मैसेज कब किया? सर क्लास के बाद ही करी, सर क्लास के 1 घंटे बाद ही करी था। उस दिन आपने किया था, मैंने जवाब नहीं दिया। तारीख कौन, कोई डेट याद है आपको? नाम क्या बेटा आपका? विशेष गोयल, विशेष गोयल राइट। हाँ बेटा मैंने बोला नहीं आपको, ठीक निकाला था आपने शायद, मैंने देखा था वो ठीक निकाला हुआ था। ओके सर ठीक है। ये क्या शायद मैं थी नहीं उसमें। एक मिनट रुके, कौन बोल रहा है बेटा? ऐश्वर्य पर, ऐश्वर्या क्या बोल रहे बेटा? सर ये जो आपने साइड में क्वेश्चन किया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया, ये कब हुआ था सर? ये होमवर्क कल लास्ट क्लास अटेंड करी थी, प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास अटेंड करी थी। हाँ बेटा यस सर, तो उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था। ओके सर मैं भूल गया। यस जैसे ये तो कर दिया था। अच्छा ध्यान से सुनो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने दो पहले यार, पहले मुझे खत्म करने दो प्लीज, मैं नहीं मानता, मैं नहीं खेलूंगा नहीं। ओके तो क्या कह रहा हूँ मैं, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस मिरर की फोकल लेंथ जो थी वो हमारी 20 थी। यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है इस पर? एक सेकंड रुकना बेटा, मैं जरा नई शीट खोल रहा हूँ, आई थिंक ये हैवी हो गया है, जस्ट अ सेकंड। ओके सर एक सेकंड। ओके क्या मैं बोल रहा हूं कि हमने कंकेव मिरर लिया था, कंकेव मिरर के अंदर जो मैंने ऑलरेडी हमने चार केस कर लिए थे, पहला था जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, दूसरा था जब ऑब्जेक्ट फोकस सॉरी पहला था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, दूसरा था जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर था, तीसरा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, और चौथा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? धीरे धीरे मिरर के पास लेते लेते आ रहे हैं। हाँ धीरे धीरे मिरर के पास लेते आ रहे हैं।
अब नाउ इस पे ना इस वाले केस को मैं थोड़ा सा आपको ढंग से और समझाना चाहता हूँ. ऑब्वियसली मुझे पता है सबका यू इज इक्वल टू माइनस 20 पे वी इनफिनिटी आ गया होगा. क्या सभी को ये चीज आ गई थी? ठीक है, अब इस वाली चीज को ना थोड़ा सा मैं और अच्छा समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज. अब हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस से जरा सा पहले है. इसका मतलब अगर मैं इसको जूम करना शुरू करूं, ये देखो हमने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, अगर ये हमारा फोकस है तो ऑब्जेक्ट ना बिल्कुल जरा सा यहाँ पे है. क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर. ये बहुत पास है, बहुत पास. यस सर. सर दोबारा से बोलो. ओके, मैं एक बार से बोलता हूँ. मैंने बोला कि अभी जो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से बहुत पास रखा. सर आपकी आवाज ठीक से है? आपकी आवाज क्या हो रहा है? पीसी भी दोबारा स्लो हो गया. नहीं 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 कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट एक सेकंड रुको, एक चीज और करके देख लेता हूँ. पता नहीं, जस्ट लेट्स सी, चार्जिंग की दिक्कत ना हो. जस्ट एक सेकंड रुकिए. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला अभी आपको. अभी हम करना क्या रहे थे, अभी हमने क्या किया, जो हमारा पिछला वाला केस था उसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा. तो मैंने इसीलिए लिखा, देखो u इज इक्वल टू मैंने माइनस 20 सेंटीमीटर लिखा. तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा था. अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस के ना बिल्कुल पास में रख रहा हूँ, फोकस पे नहीं रख रहा. क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? तो मैंने फोकस से जस्ट बिल्कुल बगल में, बिल्कुल देखो बिल्कुल बिल्कुल बगल में, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ है फोकस से, लेकिन फिर भी फोकस से दूर है. क्या ये वाली चीज समझ में आई है सभी को, क्या बोला मैंने? यस सर, क्लियर. यस सर. यस यस. ओके, ध्यान से देखिएगा. तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल जो पतली सी लाइन है अब थोड़ी मोटी मोटी लगेगी. तो देखो ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो बिल्कुल सीधी लग रही है अभी, इस ऐसा लग रहा है फोकस पे ही है. लेकिन क्या अभी हम जूम करके देख चुके हैं कि फोकस से थोड़ा सा आगे है. यस सर, पास नहीं है, मतलब दूर है. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. क्लियरली ऑडिबल. पर को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही. सर आपकी आवाज. सर की नेटवर्क इशू. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, नेटवर्क इशू हो सकता है सर का. आओ वैभव, क्या बात तुमने से किसी ने होमवर्क किया है फिजिक्स का? हाँ, मतलब किया है, किया है, हाँ किया है. करना चाहिए सबको होमवर्क. यार मैं भेजना भूल गया होमवर्क, और मैंने जल्दी जल्दी में किया था होमवर्क. तो अभी भेज दे. उसमें डेट और डेट भी गलत लिखी है मैंने, 2019 लिखा हुआ. अरे तो भाई करेक्शन सॉल्यूशन देखेंगे. अभी मेरी आवाज आ गुड इवनिंग सर. हाँ सर, हमारी
ओके आई विल स्टार्ट विद द अर्लियर. ध्यान से सुने वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ. चला फोकस के पास बता रहे थे सर. कर दिया मैंने, कर दिया. दिख रही होगी अभी सभी को स्क्रीन. आप ध्यान से सुनेगा मैंने क्या बोला कि मैंने फोकस के जरा सा पास रखा है ऑब्जेक्ट को. तो अब जब मैं यू लूंगा तो मैं यू लूंगा या यू 20 लूंगा या 20 से थोड़ा सा ज्यादा. क्या लिखा, माइनस 20.00000 और बहुत बार जीरो करके. सभी को इतनी चीज समझ में आती है? यस सर. ओके ध्यान से देखना, वी हमें निकालना है और जो एफ था हमारा, एफ कितना था हमारा? क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर. आप बस अभी ना, एक्चुअली बच्चे ज्यादा हैं तो अभी बिल्कुल शांत रहना. अभी थोड़ा जब मैं कहूंगा बोलना तभी बोलना. तो अब मैंने क्या करा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा. 1/v प्लस 1/, यहाँ पे u की जगह आ जाएगा माइनस 20.00000, बहुत बार जीरो करके 1, इज इक्वल टू 1/ माइनस 20 सेंटीमीटर. क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर. यस सर क्लियर है. यस सर. अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/-20 प्लस 1/20.000, बहुत बार 0 1. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर. अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा. मैं अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20.00000, बहुत बार 0 1, और ये वाला यहाँ एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 20.00000, बहुत बार 0 1 1. और वो माइनस के बदले प्लस नहीं आएगा, प्लस होगा ना? नहीं वो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1/20 माइनस हो जाएगा. ठीक है सर. तो 20.00001 तो प्लस का होना चाहिए ना? नहीं नेगेटिव होगा. सुनो मेरी बात, सर ने माइनस ही लिया सर, लेकिन ट्रांसपोज होके तो प्लस हो जाएगा. रोबोट जैसी आवाज आ रही है आपकी सर. आपकी एलियन एलियन जैसी थोड़ी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. मतलब आवाज सर, आवाज सही नहीं है सर. बीच बीच में सर वो माइनर आता है. अभी ठीक है, बहुत बार 0 1 जो है वो मैं बताता हूँ. एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो. इसको भी भूल जाओ पहले. इसको देखो, इस वाली चीज को, इस वाले को देखो. लिखा हुआ है माइनस 1/3 प्लस 1/4. मैंने एलसीएम लिया, 4 3 12, अब यहाँ पे लिखूंगा माइनस 4 प्लस 3. क्या ये चीज समझ में आती है? यस मैम. यस सर. तो यही तो किया यहाँ पे भी. यस सर. वो सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया. ठीक है अभी सभी को ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर. ध्यान से ध्यान से देखो, 20.0001 माइनस का है, प्लस 20 आएगा. तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस 0.00 बहुत बार 0 1 डिवाइडेड बाय 20 × 20.000 बहुत बार 0 1. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? इसका तो कुछ ऑन नहीं है अभी. ठीक है आवाज बेटा? यस सर. आप धीरे बोलते ठीक है. मैं देख कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुने. आप देखो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 × 20 = 400 और 0 0 0 बहुत बार 0 करके ये 21 2 हो जाएगा. तो 2 लिख दिया बस मैंने. क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर. यस सर. अब नीचे देखो, ये वाला पार्ट जो है, जो हमारा ये न्यूमिनेटर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाएगा.
तो 0.000 इज इक्वल यहाँ 1। अब ध्यान से देखो, जब नीचे अगर 0.01 होता है तो क्या मुझे ऊपर इसको सही करने के लिए क्या मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली क्या है, इनफिनिट, मतलब ये जो चल रहा है ये इनफाइनाइट चल रहा है एक्चुअल में, ये चलता चलता गया, मैंने इसलिए चलता चलता गया इसको बोला कि इतनी बार है कि ये इनफिनिटी टाइम्स चल रहा है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इससे, मुझे क्या इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सही करने के लिए, मतलब इसको प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए। क्या सभी को ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर, समझ आ रही है। यस सर, आ गई सर। सभी को? यस सर। कोई बेटा जिसको नहीं आई हो वो बोले प्लीज, जिसको आ गई वो चुप रहे एक मिनट, जिसको नहीं आई है वो बोले, जिसको नहीं समझ में आई वाली चीज। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना बेटा। लेकिन मैं समझाऊंगा, हमने ऐसे इन्फिनिटी वाला ही चुनिया। सॉरी, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक, हमने इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया था तो फिर वो इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा सर? कोई डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू ले लेते हैं, 0.00001। कितना जीरो? कितना जीरो? एक्चुअली बात ही है क्योंकि मैंने बिल्कुल बगल में लिया है उसको। अगर ऐसे भी लोगे, चलो मैं मान के चलता हूँ इसको, इस अगर हम कोई वैल्यू लें तो मैं कहता हूँ 10^36 ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो क्या यहाँ पे 10^36 हो जाएगा? वैसे तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी के आगे वो 10^36 भी छोटी होती है वैल्यू काफी, मतलब। लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेट कह दूं तो अगर मिरर हमारा यहाँ पे 10^36 सेंटीमीटर क्या मतलब दूर होगा या बहुत दूर होगा? बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। एक्चुअली 10^36 तो ना हमारा यूनिवर्स भी इतना बड़ा नहीं है, मैं अगर आसान भाषा में बताऊं। ठीक है सर, एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं होगा? नहीं सर, यूनिवर्स को नापा कैसे? इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा। इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ से जो, अरे बेटा वो छोड़ो ना, मैं अभी चीजों में नहीं जाना चाह रहा, अभी तुम बस मुद्दे की बात पे रहो। ये चीज समझ में आई है सबको? नहीं आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी वो एक्चुअली इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन जो इन्फिनिटी होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, मेरा ये कहने का मतलब है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सर उतने ही जीरोस हैं ऊपर भी, तो सर उतने ही जीरोस हैं, तो वो भी नीचे भी नहीं बेटा, वो तो नहीं, एक मिनट रुको, ऊपर इतने जीरोस हैं बिल्कुल उतने ही हैं, लेकिन चल तो वो इन्फिनिटी तक रहे, मेरा कहना ये, अगर तुम ये पूरा हटा दोगे तो यहाँ से ये भी तो हटेगा, तो ये टर्म तो इन्फिनिटी, ये टर्म इनफाइनाइट लंबी है। सर मतलब ये जो इनफाइनाइट ले हम ले रहे हैं, ये एक तरीके से है एक डेफिनेट टर्म, पर ये इतनी बड़ी है कि हम इसे इनफाइनाइट मान सकते हैं। इनफाइनाइट ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर, क्वेश्चन में यू जो है 20 दिया था आपने। हाँ बेटा, वो 20 लेके इन्फिनिटी आ रहा था तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब तुम्हारे लेवल पे होते हैं तो उसमें हम करते हैं भाई यू को एक सेकंड मेरी बात सुने, अभी सभी, अभी आपके लेवल पे अभी हम करते क्या है, जनरली वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20, सबका ये तो आ गया होगा और सबने इसको इससे काट दिया होगा, वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वी इज इक्वल टू जीरो आ गया होगा, फिर सबने लिख दिया होगा वी इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो और वो इन्फिनिटी, क्या सबने यही किया था? आपको अरे बेटा मैं कब मना कर रहा हूँ, सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ और अच्छी चीज बताना चाह रहा हूँ, इसलिए तो समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ। यस सर, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अब धीरे धीरे। हाँ अब मैं क्या कहना चाह अब ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ बोले बेटा, हमने इन्फिनिटी से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मैं आंसर इन्फिनिटी में आ जाए। नहीं, मैंने इन्फिनिटी से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं इसको, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि 1/0.01 है, 0.01 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैं 100 लिख सकता हूँ, तो इस तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस नीचे वाले पार्ट को, तो उसके लिए मुझे इसको हटाने के लिए इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है, मैंने डॉट 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 इसलिए लगाया था क्योंकि ये चलती जा रही है। हाँ तो अगर इसको काटोगे तो फिर वो ये वाली टर्म इनफाइनाइट लंबी हो गई ना मेरा बेटा, वो इन्फिनिटी तो हो जाएगी। नहीं बेटा, इसको हटाने के लिए करना पड़ रहा है ना, आसान भाषा में समझ लो। अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो, इन्फिनिटी को ना अभी तुम रिलेटिव टर्म मान के चलो, इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, इसको ऐसे मानो, मैं समझा देता हूँ कैसे।
जैसे तुम्हारा हाथ भी इनफाइनाइट लंबा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन के साइज पे जाना पड़ेगा। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन का एक साइज ले लो, तो इलेक्ट्रॉन का साइज हमने कितना देखा था, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का साइज, अप्रोक्सीमेटली 10^-15 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन का साइज, ठीक है। अपने हाथ का, अगर आप अपने हाथ का साइज देखोगे तो तुम्हारा हाथ जो होगा वो अबाउट 1/10 of a meter होता है, अबाउट थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं। तो आपका जो हाथ है वो, अगर इसको देखो, ये कितना है 10^-1 meter। अब ध्यान से देखो, 10^-1 meter और 10^-15 meter। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारा हाथ इनफाइनाइट लंबा हो सकता है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? ठीक है, अब इस वाले इनफाइनाइट को भी चाहे भूल जाओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज को आप ऐसे ही रखे रहने दो। तो मैंने v को ऊपर लेके गया, v इज इक्वल टू हो गया 20 × 20.000000 बहुत बार 01, ऐसी तरह से 0.0000 बहुत बार 01। अब ये बहुत बार 0, क्या ये मैं कितनी बार भी ले सकता हूँ? क्योंकि मैंने तो भाई, मैंने तो बिल्कुल जरा सा पास में लिया है, तो इसको मैं 10^10 भी ले सकता हूँ, 10^20 भी ले सकता हूँ अगर इसे हटाऊंगा तो। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है या नहीं? यस सर। तो अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं। हाँ बेटा, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है ना, मतलब नहीं, वो एक्चुअली रिलेट इनफिनिटी से ही करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल जरा सा पास लिया। अगर डेफिनेट वैल्यू लेना होता तो मैं 21 ले लेता, लेकिन 21 बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, मैंने 20 के बिल्कुल बगल में लेना है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ और चीज समझानी थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया, तो हेंस v कितना हो गया, ध्यान से सुनना। तो v को मैंने लिया 20 × 20.00001 × 10^10। फॉर एग्जाम्पल 10, आप ध्यान से सुनना, क्या फोकल लेंथ हमारी है -20 cm और v जो हमारी जो इमेज बनी है वो बनी है इतनी दूर, 10^-10 meter। ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो जितनी दूर सूरज है उतना दूर डिस्टेंस है। तो क्या ये हम इसको इन्फिनिटी ले सकते हैं? तो इसमें जो हमने इन्फिनिटी लिया, तो मैंने v को क्या लिया, -infinity लूंगा। एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन पहले से है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? अब मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये चीज क्यों करा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं डायग्राम पे आता हूँ वापस से। इसका मतलब है क्या, इसलिए ये मैंने इतनी ज्यादा आधा घंटा क्यों खराब किया आप लोगों का, ध्यान से सुनिएगा आराम से। मैं दोबारा से जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से जो एक फोकस, यहां से जो एक लाइट जाएगी, तो फोकस, अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो जो लाइट फोकस से जाएगी इस तरह से मिरर पे गिरेगी, और मिरर पे गिरने के बाद कुछ इस तरीके से वापस चली जाएगी। क्या ये वाली चीज सबको समझ में आई है? ये वाली लाइन कैसे आई है? फोकस से मिरर पे गई है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से निकली है, मिरर पे गिरी, मिरर से नॉर्मल गिरी है तो नॉर्मली चली गई, और कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि नॉर्मल जाती है तो कर्वेचर से पास होती है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हम यहीं से एक और लाइट रे पास, अरे यहीं से एक और लाइट रे पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और वो लाइट रे हमारी इस तरीके से पैरेलल चली जाएगी। अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो जो इमेज बनेगी, जो वी है वो माइनस इन्फिनिटी आया है। माइनस का मतलब जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है अभी तक? यस सर, आ गई। यस सर, सर इमेज कैसे बन सकती है, पैरेलल लाइट कैसे मिलेंगे? बेटा हम कहते हैं ना, इसीलिए तो इन्फिनिटी लिख दिया कि इन्फिनिटी पे जाके बनेंगे, वो हमारी सरदर्दी नहीं है, जब मिलेंगे मिलते रहेंगे। बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, बनती है, हम ये मानते हैं कि बनती है, लेकिन इन्फिनिटी पे बनती है। पैरेलल लाइट रेज मिलेंगी कैसे? अरे मेरा बच्चा, वो मैंने बोला तो सही, हमने ये बोल देते हैं कि इन्फिनिटी पे वाके मिलती हैं, तो इसमें हम बस ये लिख देते हैं, कभी वैसे मिलेंगी नहीं, लेकिन हम जनरली लिख क्या देते हैं कि इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्मड, तो जैसे इन्फिनिटी नहीं आएगा वैसे बोलना। हाँ बस ऐसा ही है वो, जैसे तो मतलब कहते हैं केल्विन में हमने कहीं पढ़ा था कि जो एक सर्कल होता है बहुत सारे लाइन सेगमेंट का, अगर देखा जाए तो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बना दे या फिर पॉइंट बना दे तो एक सर्कल बन जाता है। तो अच्छा, ये मतलब तो ये बेटा, अगर आप ऐसे ऐसे डेफिनेशन पे जाओगे ना, तो आपको पता है एक लाइन क्या होती है?
अब लेकिन अगर आप ढंग से सोचोगे तो अगर लाइन खींचोगे तो ब्रेथ तो बनेगी बनेगी, समझ रहे हो? अगर उस हिसाब से देखोगे तो ये आप ये डायग्राम ड्रॉ कर नहीं सकते हो अभी के हिसाब से देखोगे तो, क्यों? क्योंकि आप जैसी लाइन ड्रॉ करोगे तो चाहे कितनी छोटी ले लो विड्थ तो होगी। सर वो यूनिट ले लेते हैं हम विड्थ ग्राफ नहीं, क्या नहीं, नहीं उसमें लाइन की डेफिनेशन ही बेटा ये है, लेकिन वो बात अलग है, हम विड्थ यूनिट ले लेंगे। एक्सियम्स में पढ़ाता था यूक्लिड ने। हाँ ठीक है ना, तो मतलब इन चीजों के अंदर जितना ज्यादा जाओगे तो समझ में आएगा कि बेस काफी ऐसे ही रहते हैं। तो अभी इसको ऐसे मान लो कि अभी यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी मुझे एक मिनट रुको, मुझे जो मुझे पहले समझाना है पहले मुझे वो समझाने दो, अब ध्यान से सुने। हाँ बेटा बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी पे हो रही है, तो माइनस इन्फिनिटी आपका लेफ्ट में ही होगा ना इस वाले केस में। तो हमने इसमें एक ही लिखा, इमेजेस फॉर्मड एट इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी लिखेंगे ना? ऐसा लिख सकते हो, माइनस इनफिनिटी लिख सकते हो। ठीक है सर, वैसे माइनस तो सर वो कर रहा है ना डिनोट रियल इमेज, इन्फिनिटी और इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो वो अपने आप आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? तो इमेज हाँ बेटा बोले सर, वो जो बाकी वैल्यूज थी 40.00 उसका क्या हुआ? बेटा अगर इन्फिनिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी कुछ भी होगा वो सब इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इन्फिनिटी होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी कैन नॉट बी काउंटेड। ओके सर ठीक है सर। हाँ बेटा सर, जब लाइंस मीट नहीं करेंगी वो पैरेलल में, तो हम लिखते क्या सर कि वो मीट करेंगी इन्फिनिटी पर? बेटा मैंने ये वही बताया कि ये कुछ वैसा ही है कि अगर लाइन की हम डेफिनेशन लेते हैं तो लाइन की डेफिनेशन हम बोलते हैं कि अ लाइन इज दैट व्हिच इज नॉट हैविंग एनी विड्थ, लेकिन जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी विड्थ होगी ही होगी, तो वो रूल्स हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सर इससे हमें पता क्या चला? इससे मैं ये अभी मैं बताऊंगा, अभी दूसरी चीज तो बताने दो तभी तो पता लगेगा, दो चीज एक साथ है ये वाली, ध्यान से सुने अभी एक मिनट। अब बिल्कुल सेम चीज मैं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। अब इसमें हमने किया क्या, जस्ट अ सेकेंड, अब इंस्पाइट ऑफ मैंने देखो अभी मैंने किया क्या था, अभी जो ऑब्जेक्ट था मैंने फोकस के लेफ्ट में रखा था, कैसा अभी को दिखा था ध्यान से देखें। यस सर, यस सर, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ नए डायग्राम में, आप इसको ऐसा लगाओ कि मैं जो ऑब्जेक्ट है इसको जरा सा राइट में रखूंगा, जरा सा राइट में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, यस सर। मैं सिर्फ वैल्यूज में बात करूंगा अभी इसमें, अब बाकी चीजें आप अपने आप करना, ध्यान से सुने बस इस, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए समझाने की चीज है ये वाली, समझने की मतलब चीज है ये, ज्यादा बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो होती रहती है। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन तो सारी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मैंने अभी करी है, लेकिन अब ध्यान से देखना जो यू होगा वो माइनस 20.00 होगा या माइनस 19.99999 होगा? राइट, सभी को ये चीज समझ में आती है ना? माइनस 19, यस सर। इसके बाद जो हमारी फोकस जो है वो माइनस 20 सेंटीमीटर है, ये भी सभी को क्लियर है? यस सर। तो अब अगर मैं 1 अपॉन वी की बात करूंगा तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 19.999 अप टू इंफिनिटी डिवाइडेड इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 20। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 1 अपॉन वी, सॉरी इधर उसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो माइनस 20 और प्लस 1.19.99, वही चीज वापस से रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, 20 माइनस 19.999 अप टू 9 इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19.99। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। बस ध्यान से देखो, yes, इस बार फर्क क्या होगा, बिल्कुल सेम है जैसा पीछे वाला है, लेकिन इस बार फर्क क्या होगा, 20 इंटू 19.999 ऊपर होगा और डिवाइडेड बाय, इस बार जो ये आएगा देखो 19.99 20 से छोटा है, तो जो भी टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी,
तो पॉजिटिव 0.000001, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अगेन आई एम राइटिंग दिस वी एज इंफिनिटी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस बार ये प्लस इंफिनिटी होगी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो एक्चुअली मैं होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से जब हाँ ध्यान से सुनना, अब जब फोकस जब ऑब्जेक्ट फोकस से लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में इधर होता है जरा सा इधर, तो जो इमेज बनती है वो बनती है हमारी माइनस इंफिनिटी पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस से जरा सा इधर हुआ है तो जो इमेज बनी है वो हमारी बनी है प्लस इंफिनिटी पे। क्या सभी को दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ बेटा, जैसे आपकी फोकस एक सेकेंड, हाँ जैसे प्लेन मिरर में बनती है, जैसे प्लेन मिरर में बनती है सर, इसमें नहीं बन सकती फिर तो? किसमें बेटा? सर इस मिरर में सर, सर स्टडी का सर इसमें तो बनेगी नहीं, नहीं बनेगी ना, पीछे बनेगी जैसे अभी हमने किया था, अभी मैं बताता हूँ ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अभी अगला क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखो, आप पोलर फोकस के बीच में आ गई इमेज, तो हमारा यू मैंने बोला था -10, फोकस था -20, कितना आया था वी इसका? सर इसका वी आया था 20/3, यानी फोकस और पोल के बीच में 20/3 आया था। क्या सभी का 20/3 आ गया था? ये वाला 20/3 आया था, 20 आया होगा सर, 20 आया था, 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 मैग्नीफिकेशन 2 IT और हाइट +4 cm। हाँ वो तो अपने आप आएगी, ध्यान से देखें, तो इसमें जो V आएगी वो +20 आएगी, ये सबको, ये सबका ये आया +20? यस सर, यस सर, यस सर। ध्यान से देखें आप, तो अब मैंने क्या किया, 10 जो लिया वो मैंने यहाँ लिया, 10 जो लिया मैंने, ध्यान से देखें तो 10 अप्रोक्सीमेटली होगा यहाँ पे कहीं, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यहाँ कहीं 10 होगा सर। अच्छा नेगेटिव कैसे ले रखी हो, तो कॉन्वेक्स मिरर है ना? नहीं कॉन्केव ही है ना बेटा, अभी मैं कॉन्केव की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स पे कहाँ आया हूँ? सर आपने तो कॉन्वेक्स का होमवर्क दिया था। नहीं बेटा, पहले मैंने कॉन्केव के लास्ट के 2 पॉइंट दिए थे सर, कॉन्केव का भी दिया था, पहले मैंने कॉनकेव के लास्ट के 2 दिए थे, ठीक है ध्यान से देख ले, कोई बात नहीं, अब ध्यान से इधर देख लो। तो अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया, अब मैंने क्या कहता हूँ मैं कि अगर लाइट रे जो हमारी अगर यहाँ से ऐसे जाएगी, ध्यान से देखें, तो हमारी ऑब्जेक्ट से लाइट निकली इधर, सॉरी ऑब्जेक्ट से लाइट निकली इधर गई, वापस टकरा के इधर गई और कर्वेचर से पास हो गई, क्या ये सबको क्लियर है ये वाली चीज? यस सर, यस सर, क्लियर। और दूसरी क्या हुआ, दूसरी के साथ हो गया, हमने क्या किया, अरे दूसरी के साथ दूसरी लाइट रे हमारी आई, इस सरफेस पे टकराई और सरफेस से टकरा के कुछ ऐसी हो गई, ऐसे गई, क्या सबको ये भी क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखें, अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ पीछे की तरफ, अभी मैं डॉटेड कर दूंगा इसको, ध्यान से देखिएगा, क्या सभी को दिखा कि इमेज बनी? यस यस सर, यस सर, यस सर। अब इसको हमें, मतलब ये क्या हुआ, अब इसको हमें यहाँ बनी है सर, मतलब ऑप्टिकली नहीं बनी पर हमें सर ऐसा लगता है कि वो उधर बनी। हाँ तो ये समझ में आया कि यहाँ इमेज बनी है, पहली चीज तो ये आप ध्यान से देखो, हेड से निकली है तो ये भी हेड होगा और ये कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे इस तरह। सर एक डाउट था इसमें, एक मिनट पहले अभी यहाँ तक समझे, तो ये हमारा जो बना, अब मेरा ये क्या बना, ये जो हमारा वी आया था ये कितना आया, +20 आया था, +20 cm, +20 मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमारे क्या था, माइनस वी बाई यू, तो वी कितना आया +20, तो +20 हो गया, और यू कितना आया, यू कितना था -10, तो -10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 आया, सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर,
यस सर आप सभी ने देखा होगा अगर प्लस होती है, प्लस होता है तो मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और लार्ज और एंड एनलार्ज्ड। क्या सभी को ये भी चीज क्लियर है? अब अभी तक तो ऐसा ही हुआ। अब एक मिनट नहीं सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जो मैंने पीछे चीज बताई थी उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अब इस वाली इमेज से अगर मैं थोड़ा और समझ के देखें तो जितना ये ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा उतनी ये वाली इमेज हमारी राइट साइड में जाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आता है? जितना ये फोकस के पास जाता जाएगा, जितना ये ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाता जाएगा उतना ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के पास जाता चला जाएगा। क्या सभी को ये वाली चीज भी समझ में आती है? ये वाली चीज मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी थी कि जैसे ही आप एफ पे रखोगे, एफ से जरा सा पहले रखोगे तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी के पास, एफ के जरा सा बाद रखोगे, एफ के जरा सा बाद रखोगे तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे जो इन्फिनिटी होगी वहां चली जाएगी। क्या सभी को ये वाली दोनों चीजें समझ में आ गई है? क्या बेटा क्या बोला? समझ नहीं आया। ओके मैंने क्या बोला अभी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, देखो ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे था तो हमारी ये इमेज यहाँ बनी, जितना ये ऑब्जेक्ट पोल के पास आता जाएगा उतनी ये इमेज हमारी पोल के पास आती चली जाएगी, जितना ये ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाता जाएगा उतनी ये वाला इमेज इन्फिनिटी के पास जाती जाएगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे चला जाएगा तो जो फोकस के जरा सा पास में तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज ये वाली बनेगी ये इन्फिनिटी पे बन जाएगी, फोकस पे आएगी तो इमेज लगभग नहीं बनती क्योंकि वो पैरेलल हो जाती है, जरा सा फोकस से पहले होगा तो वो पैरेलल नहीं होंगे, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। फोकस पे क्यों नहीं हो पाएगा? पैरेलल मतलब नहीं, वो देखो फोकस पे जाके एग्जैक्ट पैरेलल होती है, फोकस से जरा सा पहले होगा तो मतलब वो जाके मिलेगी कहीं ना कहीं क्योंकि एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होती। सर फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो सर माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी दोनों पे बनेगी? नहीं वो मैं इसीलिए तो वो ब्लर रहती है पिक्चर एक्चुअली, एक्चुअल में तो बताएं तो उस वाले पे हम बताते ही नहीं है, अगर एक्चुअल में देखा हो गया होगा तो उस पे बताना ही नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा पहले या थोड़ा बाद ही बता सकते हैं तुम्हारे लेवल पे। एक सेकंड, अभी तक यहाँ तक सब मैग्नीफिकेशन पे ही खत्म हो गया। इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी में डिफरेंस क्या है बेटा? अगर मैं प्लस माइनस इनफिनिटी बोलूंगा इस वाले केस में तो माइनस इनफिनिटी मतलब इस साइड में यहाँ पे जो इनफिनिटी है, प्लस इनफिनिटी बोलूंगा तो ये यहाँ पे इनफिनिटी जो साइड में केवल इनफिनिटी होगा। सॉरी नहीं बेटा, केवल इन्फिनिटी का मतलब प्लस इन्फिनिटी होता है, अगर कुछ नहीं लगाते तो प्लस होता है ना सर, तो फोकस होगा तब भी तो प्लस इन्फिनिटी ही बनेगा ना। अभी के लिए तुम्हारे लेवल एक्चुअली फोकस पे जाके जो इमेज होती है वो ब्लर हो जाती है, मैं यही बता रहा हूँ इमेज ब्लर हो जाती है। सर हाँ सही और सेंटर ऑफ कर्वेचर को राइट साइड में ले लेते तो फोकल लेंथ भी अपने आप ही सर राइट साइड में आ जाएगी, तो सर मेरा के भी रहेगा तो सर उसमें कार्टेशियन प्लेन भी बदल जाएगा हमारा उसने एक्चुअली, लेकिन फिर उसमें अपना पॉजिटिव नेगेटिव भी बदल जाता है ना। एक सेकंड सुनो, हाँ बेटा उसमें कार्टेशियन प्लेन भी बदल जाएगा ना, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्लेन में क्या बोला, जिस डायरेक्शन से लाइट रे आ रही है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, सॉरी जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो अगर मैंने इसको फ्लिप कर दिया मान लो ऐसे कर दिया तो अब क्या हुआ, ये डायरेक्शन मतलब ये लाइट रे इस डायरेक्शन से आएगी तो मतलब ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। हाइट ऑफ द इमेज ऊपर वाले के अंदर तो जो मैग्निफिकेशन जो हमारा 10 वाला था जो सेकंड वाला केस था उसके अंदर तो हमारी कितनी प्लस टू आई रही थी, दूसरे वाले के अंदर एक्चुअली सर 4 हो जाएगी इमेज, हाइट ऑफ द इमेज तो 4 हो जाएगी इस वाले केस के अंदर तो, और अगर हम पहले वाले में कहते हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन की बात एक्चुअली करता ही नहीं है क्योंकि माइनस वी अपॉन यू होता है जब इन्फिनिटी पे बनती है, तो वी इन्फिनिटी पे बन के वो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी हो जाती है, तो
तो उसके ऊपर हम बात करते ही नहीं है, मतलब जनरली हम हाईली एंड लार्ज लिख देते हैं बस और उतना ही छोड़ देते हैं। सर जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें टर्म्स जो थे वो इन्फिनिटी में थे, तो ऐसा अगर किसी और क्वेश्चन में भी आएगा जिसमें टर्म्स इन्फिनिटी में होंगे तो ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा समझाया है, ऐसा कुछ नहीं आएगा तुम्हारे उसमें, तभी लिखना था, कोशिश करिए थोड़ा समझाने के लिए। ओके सर, तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो ऐसे केसेस आते हैं तो इन्फिनिटी से ही मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ सर, ये लिखना था, लिखोगे तो बढ़िया, नहीं लिखोगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम्हें समझ में आना चाहिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट। सर स्लाइड थोड़ी राइट कर देना जो इन्फिनिटी वाला देख। कर दिया कर दिया। सर इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? क्या बेटा? इन्वर्टेड मतलब उल्टी उल्टी उल्टी, जैसे जहाँ पे जैसे हमने पिछली जो इमेजेस बनाई थी उसमें उल्टी इमेज बन रही थी, इफ यू रिमेम्बर। यस सर। तो मतलब क्या है कि अगर एक सेकंड रुके, ध्यान से सुनना, ये हमारा प्लेन है, अगर हमारा अपसाइड डाउन, अगर मेरी ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है और इमेज ऐसे बन रही है नीचे, इसको कहेंगे इन्वर्टेड। अगर ऐसे ही बन रही है ऊपर की तरफ तो इसे कहेंगे इरेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। सर उसका वो कॉन्सेप्ट बस इतना ही था ना, वी और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वाला। हाँ बेटा यही समझाना था। हाँ यही समझाना था। वो बस डेरिवेशन थी, अ टाइप ऑफ। हाँ टाइप ऑफ समथिंग, बस समझने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, जो जनरली हम उसको इलैप्स कर देते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। सर हाँ बेटा बोले। सर जब हमने पहले क्वेश्चन में यू 40 ली थी तो उसमें रे सीधी गई थी। हाँ सीधी गई थी, मतलब यू 40 ली थी तो सीधी मतलब कैसे? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सर हमने लिया था तो जैसे अभी इस पे टेढ़ी जा रही है उस पे बिल्कुल पैरेलल गई थी ना। नहीं बेटा मुझे समझ में नहीं आया क्या ऐसा कहने चाह रहे हो, जब हमने यू को माइनस 40 लिया था आप तब की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो उसमें जो v आया था वो हमारा माइनस 40 आया था, तभी की बात कर रहे हो? हाँ सर वही वाला। तो उसमें तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट था उसी के नीचे इमेज बनी थी ना कुछ इस तरीके से। कहाँ गए बेटा? यस सर। हाँ यही कह रहा हूँ ना, तो उसमें हमने क्या किया था, एक लाइट रे हमने ली थी जो पैरेलल थी, वो फोकस से पास कर रही थी कुछ इस तरीके से, और एक दूसरी लाइट रे ली थी जो यहाँ पे पोल पे हिट करती है और पोल से हिट करने के बाद यहाँ आ जाती है। यस सर। तो सर मैं ये पूछ रहा था उसमें पैरेलल क्यों नहीं गई जो अभी लिया है हमने क्वेश्चन ऊपर? इस वाले में पैरेलल फोकस से पास नहीं किया ना बेटा हमने, इसलिए पैरेलल नहीं गई फोकस से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बेसिक डाउट था। इस वाले में एक चीज और सुने, अगर देखो इस वाले में पैरेलल एक रीजन और भी है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें पैरेलल ले लूं तो फोकस से पास करने के लिए उसको अपने आप से क्रॉस करना पड़ेगा। अब लाइट रे ऐसे थोड़ी ऑब्जेक्ट से ही पास कर मतलब पास हो जाएगी, इसलिए इसमें से नहीं लेते, ठीक है ना? ओके सर, समझ गया। ओके ओके। हाँ बेटा कोई और कुछ कह रहा था, मैंने बीच में टोक दिया था। सर जब मिरर्स होते हैं सर, मतलब जो भी सामने ऑब्जेक्ट रखा है सर उसकी बिल्कुल हूबहू इमेज बनाने के सर एबल होते हैं ना? डिपेंड करेगा किस टाइप का मिरर है। हाँ लेकिन प्लेन मिरर करता है बस, उसमें भी वो एक्चुअली इमेज जो है इरेक्ट बनाता है, तो हमें उसमें हमें लेफ्ट हमारा राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, वो उस लेटरली इनवर्टेड। हाँ सर। हाँ बोले सर, आप बोल देंगे सर कि फोकस से अगर हम पोजीशन चेंज करें ऑब्जेक्ट की तो क्या क्या चेंज आएगा सर इमेज में? सर लिख लेना सर। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, कि मैं बता दूं ये कह रहे हो आप? नहीं इसमें बस आप ये लिखो कि when an object is placed just after the focus, or just we can say around the focus. Beside the focus, लेकिन on the which side actually, मैं उसमें थोड़ा हो गया कि किस साइड गऊं, towards the mirror or away from the mirror? तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि when when an object is placed beside the focus and away from the mirror, beside the focus and away from the mirror, then the image will be formed at minus infinity
and when the object is placed beside the focus but towards the mirror, then the image will be formed at minus plus infinity. आया समझ? Yes. मतलब बस ये समझना है, ये कहीं तुम्हें छापना नहीं है, बस ये समझने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट जितना फोकस के पास होगा उतनी दूर इमेज बनती है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्फिनिटी पे यहाँ पॉजिटिव में बनती है और जरा सा इधर करोगे तो नेगेटिव में बनती है। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मैं आगे। हाँ सौम्य तुम बोलो बेटा, तुमने कुछ पूछना था। सर जैसे जो मिरर फॉर्मूला होता है वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो सर जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होगी वो इन्फिनिटी होगी? हाँ बेटा बिल्कुल इन्फिनिटी होती है। ओके सर, ये सभी ध्यान रख लेना कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी। ये तो बताया था आपने शायद। कोई बात नहीं, नहीं मैंने नहीं बताया बेटा, शायद नहीं बताया। ओके सभी ध्यान से, यहाँ तक सभी का हो गया? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा। यस सर। ओके अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी इन्हीं चीज को अब दोबारा से हम ना पिछली वाली एक बार डॉक देख लेते हैं, शायद उसमें हमने एक मिनट रुकना, नहीं केल्विन है ना, अच्छा इसमें है ही नहीं। ओके जस्ट अ सेकंड सर। वैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं बेटा, वो पुराना पढ़ा रखा था ना, तो बस वही रखा हुआ। हाँ वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आपका दूसरा बैच है उसको भी दोबारा पढ़ाना, नया बैच आया है उसको पढ़ा। अच्छा इधर देखो, तुम उसे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? क्या बोल रहा था मैं? हाँ ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं मत डरो, ध्यान से देखिए बेटा, मैं अब एक चीज बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, होप आपको समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। अब ऑब्जेक्ट जो है, मतलब इसमें हमने काफी सारे केसेस करे हैं, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ एक इमेज की फॉर्म में। तो ये फोकल लेंथ, ये कर्वेचर। ध्यान से सुनना कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है कर्वेचर तक, कर्वेचर तक, तो हमारी जो इमेज होती है वो इमेज आती है, जो हमारी इमेज आती है वो आती है हमारी फोकस से कर्वेचर तक। क्या सभी को ये डायग्राम इतना समझ में आया है या नहीं आया, पहले तो मुझे बताओ। यस सर आ गया। इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ बेटा, यही बता रहा हूँ मैं, टेढ़ा क्यों, गुड क्वेश्चन, बाकी सबको तो आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो देखना। बेटा जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो इमेज बनती है छोटी, पॉइंट साइज, तो ये बनती है फोकस पे इस इधर यहाँ पे, और जब कर्वेचर पे बनती है तो कर्वेचर पे एग्जैक्ट जितनी दूर कर्वेचर होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। आपको याद होगा इसमें मैग्निफिकेशन हमारा -1 आता था, क्या सभी को याद है? Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि बाकी जो जब इन्फिनिटी से कर्वेचर की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो क्या वो यही लाइन को फॉलो करेगा, उसकी हाइट? यस सर। ये क्या बोल दिया? ओके मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना। देखो जितना मैं अभी हमने जैसे पीछे किया था, जब ऑब्जेक्ट मैंने यू लिया था माइनस इन्फिनिटी तो वी कितना आया था आप लोगों को याद है? -20 आया था। यस यस सर। ठीक है -20 आया था। yes. तो हाइट ऑफ इमेज जो हम निकाल हाइट ऑफ इमेज जो हम निकालते थे हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलती थी? मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या सभी को याद है? यस सर। और मैग्निफिकेशन हमने निकाला था माइनस वी बाई यू इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या सभी को ये भी यहाँ तक भी समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखें, माइनस इन्फिनिटी है, जब पहला वाला केस था तो उसमें यू हमारा माइनस इन्फिनिटी था, तो इसका मतलब कुछ भी ऊपर होगा और नीचे इन्फिनिटी आ गया तो वो जीरो हो जाएगा, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? हाँ हाँ, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जीरो तो मतलब ध्यान से देखो फोकस पे इमेज बनी, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब सेकंड केस ध्यान से सुनना, सेकंड केस में था मैंने यू को लिया था माइनस आई थिंक 60 लिया था। यस सर। यस सर। इमेज हमारी बनी थी -30 पे। यस सर। तो हाइट ऑफ इमेज जो आई थी वो हमने अगर इस हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा, -30 -60 इंटू में 2 सेंटीमीटर हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया था तो -1 आया था, क्या सभी को ये चीज क्लियर है?
ध्यान से देखो, माइनस वन क्या हमारा कुछ यहाँ पे मिले बनेगा, तो हाइट ऐसे बनेगी ऐसी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? ये ऐसे कुछ इमेज बन सर। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे था, मतलब थर्ड, जब मैंने यू लिया था माइनस 40, तो वी भी हमारा माइनस 40 आया था, इसका मतलब हाइट ऑफ जो इमेज आई थी वो हमारी माइनस 2 सेंटीमीटर आई थी, तो जो माइनस 2 सेंटीमीटर आई थी, तो इसका मतलब जो अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो ये कुछ ऐसा आया था। क्या सभी को समझ में आता है ये वाली चीज भी? ध्यान से देखो, ये जो हाइट है क्या इसी तरीके से वेरी कर रही थी? क्या स्लांट रखना समझ में आया सभी को, क्यों रखा है मैंने स्लांट? हाँ, तीनों नहीं, मैंने सब कुछ एक साथ ले लिया, इसमें सब आ जाता है, तीन नहीं, इनके बीच में जो भी आता है अब सब आ गया। माइनस इन्फिनिटी के बीच में अगर आप माइनस 80 ले लोगे तो वो भी इसमें आ जाएगा, 60-20 के बीच में 50 ले लोगे तो वो भी इसमें आ जाएगा, इसमें सब आ जाता है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 40 के बीच में जितने केसेस थे सब इसमें आ गए। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सॉरी, दोबारा बोले सर। मतलब कि जैसे हमने माइनस इनफिनिटी से माइनस 40 तक लिया था, तो वो जो लाइन बनाई उसके बीच में इमेज फॉर्म होगी? हाँ, उसके बीच में ही इमेज फॉर्म होगी, उसी की हाइट, जितनी यहाँ पे हाइट है उतनी हाइट होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। बेटा क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कितनी थी, हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ 20, इसलिए हाँ ठीक है। तो फोकल लेंथ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, तो एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2f होता है ना, एक्चुअली 2f इम्पोर्टेंट है बस। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? सर जितनी भी इमेजेस बनेंगी माइनस 40 से माइनस इनफिनिटी के बीच, वो इसी लाइन के बीच, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान से सुनना, इसी चीज को देख के क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और इमेज यहाँ जा रही है, ये इमेज की वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, इमेज ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से कर्वेचर तक आ गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से सोचो 40 तक कितना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन इमेज ने देखो फोकस से कर्वेचर पे आया। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कर्वेचर पे आता है और इमेज फोकल लेंथ से कर्वेचर पे आती है, तो ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया होगा? ऑब्जेक्ट ने। तो वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बस ये समझाना था। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? अब मैं थोड़ा और डराने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ कर्वेचर से फोकस से जस्ट पहले, फोकस से जस्ट पहले जो मैंने बताया था, अब फोकस से जस्ट पहले लूंगा तो इमेज, ध्यान से सुनना, क्या जैसे ही हम कर्वेचर से आगे आ गए थे तो इमेज कर्वेचर के बाद आ गई थी, याद होगा आपको, जब फोर हमने लिया था, फोर पे हमने यू लिया था, तो v माइनस 60 आ गया था, सभी को याद है? यस सर। हैंस, अब इसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले गया फोकस तक, अब इमेज को मैं ले गया सीधा, सॉरी, इमेज को मैं यहाँ ले गया सीधा इन्फिनिटी की तक, ये सीधा इन्फिनिटी। क्या ये डायग्राम सबको यहाँ पे तक समझ में आया है? यस सर। क्लियर है सर। देखो क्या मैं या मैं ये कह सकता हूँ, लास्ट में जो आपने बताया तो बता दो। लास्ट में मैंने क्या बताया? सर जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे चलाता जाएगा तो वो लाइन देखो इंक्रीज होती जाएगी ना, ये लाइन तो इंक्रीज आगे चलती जाएगी ना, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम रहता है लेकिन इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है ना जितना फोकस के पास आता है। जैसे हमने यहाँ देखा था थर्ड वाले केस में, जो मैग्निफिकेशन आपका आया था वो 1 आया था, -1, लेकिन जब फोर्थ वाला केस था तो आपका मैग्निफिकेशन -2 आया था, और ऐसे ही जब आप फोकस के पास पहुंचे तो मैग्निफिकेशन माइनस इन्फिनिटी हो गया था। क्या याद है सभी को ये वाली चीज अभी कराई थी, ये वाली? तो वो इसी लाइन को दोबारा फॉलो कर रहा है सर। एक डाउट। क्या बेटा? सर ये ऑब्जेक्ट, सर ये लाइट रे है तो ये कर्वेचर लाइट रे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास लेते आ रहा हूँ, इस पे किसी भी पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, ये लाइट रे मत समझो इसको, ये ऑब्जेक्ट मतलब कि इसमें हमने बेसिकली यही किया है ना कि हम फोकस के पास ले गए और वो माइनस इनफिनिटी पे चले गए इमेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ बेटा बोले। सर ऐसा हो क्यों रहा है कि जैसे पास आता जा रहा है वो इमेज और बड़ी होती जा रही है? और तो बेटा ये तो हमने भी कैलकुलेशन से देखा था ना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को जितना पास लेके आते हैं उतना बड़ी इमेज बड़ी होती जा रही है, तो भी हमने कैलकुलेशन से तो देखा है
जितनी भी कैलकुलेशंस करी थी कैलकुलेशन से ही प्रूव होता है ना सर। हाँ वो कैलकुलेशन से ही प्रूव होता है, बाकी हमें प्रैक्टिकल दिखता है, फिर हमने कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन से ही प्रूव हो गया, तो हमने कहा ये देखो दोनों मैच हो गए। ओके सर। सर तो अगर ये फोकस से आगे चली जाएगी तब? अभी वही कर रहा हूँ ना बेटा, उस पर तो आ रहा हूँ अभी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कॉपी करके। कॉपी क्यों करना है, ऐसे नीचे करूँ? अरे नहीं, नीचे आ जा, आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भेजो ये क्या करता है। हाँ ध्यान से सुनना, अब हमारे पास ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आते हैं, तो और पास लेके गए, चलो भाई। तो अब मेरा फोकस से ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है और फोकस से आ रहा है पोल की तरफ, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो फोकस और यार कलर चेंज करना था, एक सेकंड रुकना, ये हमारा कलर चेंज किया हमने। अब मैंने क्या कहा, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से थोड़ा और आगे आ गया, पोल की तरफ आ गया। ये मैक्सिमम है, इस ज्यादा कोई कुछ नहीं करा सकता, ये ध्यान रखना। मतलब ज्यादा एक चीज और होगी, वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, नहीं तो तुम मेरा सर खा जाओगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मैं वो नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट सारी चीजें बता ही रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर वैसे नहीं, कौन कुछ नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा मैं, कुछ नहीं कराने वाला मैं, कोई आइडिया नहीं दूंगा, ध्यान सुनना एक मिनट। तो मैं क्या कह रहा था, अब ये जिसके फॉर्मूलाज आते हैं वो, हाँ बेटा वो नहीं कर, नहीं वो भी है और भी कुछ चीज। अच्छा ध्यान से देखें सभी, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से आगे गया, तो जो इमेज है ध्यान से देखो, जरा सा आगे गया तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, और जैसे जैसे ही आगे जाता जा रहा है तो इमेज जो है वो हमारी आगे आती जा रही है। तो मैंने एरो लगा दिया इधर की तरफ, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? ओके ओके, कोई नहीं, मैं ध्यान से बता रहा हूँ दोबारा। देखो अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जरा सा फोकस से आगे आ गया, आपको याद है जब मैंने यू लिया था -19.9999 तो इमेज हमारी प्लस इन्फिनिटी पे बनी थी। Yes, तो देखो मैं इसको इन्फिनिटी पे ले गया, इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे। अब जैसे जैसे वो आगे आती जाए, जैसे जैसे वो ये ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, मतलब यू हमारा याद होगा आपको, अभी हमने किया था -10 आया था, तो वी हमारा क्या +20 आ गया था। तो वो +20 वाला अगर हम देखें तो कौन सा केस था, तो अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था और इमेज हमारी यहाँ थी, क्या सभी को क्लियर है? सर एक डाउट था। एक मिनट बेटा, पहले एक मिनट, यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसका डाउट है यहाँ तक वो बताएं। सर जैसे हम लेते हैं -19.111, तो सर ये सब, और सर जैसे आपने पिछले एक केस लेता 20.00 सर, ये फिजिकली थोड़ा ना हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं बेटा, ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये फिजिकली होता है ना, कि जनरली क्या होता है, जब मैं फोकस से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आता रहता हूँ तो इमेज दूर होती चली जाती है, और जैसे ही यहाँ पे लेके आता हूँ तो इमेज नहीं बनती फिर मिरर पे, ठीक है? तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थोड़े पास तक तो बनती है इमेज, जैसे ही इस वाले एरिया में आ जाती है, इस वाले एरिया में जरा सा जो पास वाला ये वाला एरिया है, एक सेकंड, ये वाला जो एरिया है इसमें इमेज बनना थोड़ा कम हो जाती है, ब्लर सी हो जाती है इमेज। तो मैं वो समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो सर क्वेश्चन इससे रिलेट कभी कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे F&P में तो वर्चुअल इमेज आती है, तो सर हम 14 पॉइंट तक उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, अगर उसके बाद रखेंगे तो फिर वो F पे, मतलब वो उसकी रेंज में आ जाएगा F की। एक मिनट दोबारा बोले, क्या बोला अभी आपने? सर मतलब अगर जैसे हमारे इस केस में वर्चुअल इमेज आती है, तो सर तो सर अगर तो हमें ऑब्जेक्ट को सर अगर ये F15 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, तो सर हमें ऑब्जेक्ट को 14.9 सेंटीमीटर की रेंज में रखना पड़ेगा ना, अगर फोकल लेंथ 15 है तो। यस सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर फोकस के आसपास इमेज क्यों ब्लर हो जाती है? बेटा वो इन्फिनिटी पे बन रही है ना, तो उतना दूर हमें और उसको रखना पड़ेगा ना स्क्रीन को, तभी तो बन पाएगी। ओके सर। और ये जो आपने लास्ट पार्ट बताया वो फिर से बता। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुने, ज्यादा ही कर लिया मैंने, गलत पंगा ले लेता हूँ, आपको सिंपल सिंपल बताता, क्वेश्चन सॉल्व कराता, अच्छा रहता, कोई बात नहीं, चलो ध्यान से देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे पहुंचाए थे, ऑब्जेक्ट जरा सा फोकस से आगे आया तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनी, ये सबको समझ में आया?
और जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे लेता चला जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मतलब ये कुछ ऐसा है कि इसकी ये ऐसा ऑब्जेक्ट है क्या, सभी को ये तो समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये तो पता है। इसी को बस मैं आगे लेके आता चला जा रहा हूँ, इसी को बस मैं आगे लेता आ रहा हूँ, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, तो इमेज उतनी पास आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा और लेके आऊंगा इमेज और पास आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे चिपका दिया तो इमेज भी यहीं चिपक जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? लेफ्ट से राइट मतलब सर, पहले तो सर लेफ्ट में इन्फिनिटी, और सर फिर उसके बाद सर जैसे ही हम फोकस से आगे बढ़े सर राइट में हमें दिखने लगा सर। हाँ बेटा, यही तो कैलकुलेशन है, इसीलिए तो तुम्हें समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें समझाता ही क्यों? यही तो मतलब बच्चे जनरली इन चीजों को ध्यान नहीं रखते ना, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ अलग से कि एक्चुअल में ऐसा होता है, और फिर कैलकुलेशन से हमने प्रूव किया कि ऐसा पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, ये हमने दिखा दिया कि इस वजह से, फिर हमने कहा ये इस वजह से होता है। हाँ बेटा बोले सर। और जो हमारा माइनस इनफिनिटी आ रहा था सर, इनफिनिटी माइनस कैसे हो सकता है? बेटा क्यों नहीं हो सकता, अगर हम नंबर लाइन लेते हैं तो प्लस इनफिनिटी भी, अगर हम कहीं से जीरो शुरू कर रहे हैं तो प्लस इनफिनिटी भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके सर, सर याद है। जब प्लस के लिए मान सकते हो तो तुम फिर तो माइनस के लिए भी मानना पड़ेगा, या तो इन्फिनिटी मत मानो तो समझ में आता है, ठीक है ना? यस सर। सभी को ये चीज क्लियर है? एक बार ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही बना लें। एक्चुअली ये डायग्राम से फायदा क्या होता है कि आपको बिल्कुल इमेजिन हो जाता है कि हाइट के अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा तो उसकी हाइट क्या रहेगी, तो इसको एज इट इज एक बार याद कर लेना सभी। सर बना देते हैं एक बार, आराम से बना लो या बिल्कुल ढंग से बनाना। सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि इमेज जितनी पोल के पास आ रही है उतनी, जितना ऑब्जेक्ट पोल के पास आ रहा है उतना इमेज सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, उतने इमेज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही कहेंगे, यही कहेंगे। सर जूम आउट कर दो थोड़ा सा ऊपर का भी। ओके ऊपर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, ऊपर तो बस ऐसे समझाने के लिए, तो तुम्हें समझ में नहीं आया। कोई नहीं, अभी बेटा बाकी सब बच्चे बना रहे होंगे, बना लेने दो सभी। सर से ये भी कह सकते हैं ना कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है लेकिन इमेज की वेलोसिटी ज्यादा है। हाँ बेटा बिल्कुल कह सकते हैं, बाकी तो तुम अपने दिमाग में जितना कुछ कह सकते हो सब कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सोचोगे सही होगा अगर इस हिसाब से चलोगे तो। सर 2 मिनट रुक जाओ, मैंने फिगर गलत बना दी। कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी चीज है कि हमेशा काम आएगी, 11th 12th में भी काम, 12th में भी इवन काम आएगी। सर इसमें वेलोसिटी के फॉर्मूले प्लेन मिरर जैसे ही होंगे? क्या बेटा क्या बोला अभी आपने? तो जैसे हमने प्लेन मिरर में वेलोसिटी वाला किया था सर क्वेश्चन। बेटा उन चीजों में मत पढ़ो तुम, नहीं तुम्हारे मतलब का नहीं है बेटा, वो चीज तुम्हारे मतलब की नहीं है, उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है, उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है, और उसमें भी ना थोड़ी अलग चीज है, मतलब उसमें थोड़ी अलग चीजें लगती है, उसमें अभी परेशान मत हो, अभी उसमें परेशान ही मत हो तुम लोग, जो तुम्हारे लेवल का ही नहीं है तो फिर किसी ओलंपियाड में भी नहीं आता तुम्हारे लिए। यस सर, सो अभी नहीं सोच रहे। हाँ बिल्कुल मत सोचो, नहीं जो आता है ना वो भी भूल जाओगे। डन सर। सर बना दिया, सभी का हो गया, सभी का हो गया। यस सर। सर एक मिनट बस। यस सर, हो गया। रुका हूँ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रुका हूँ आराम से, आज तो पूरा लेक्चर हमारा दो ही चीजों में निकल गया। सर आजकल हमारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्या हुआ सर? कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अभी देखता हूँ बेटा, पहले जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओ पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी करा ही दूंगा। कुछ कह रहा था पीछे से, नहीं सर कह रहा था रेट बहुत स्लो हो गया है हमारे लेक्चर का। हाँ रेट बहुत स्लो हो गया, बिल्कुल सही कह रहा, बाद में फास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं पता है मेरे को। अच्छा तो तुझे पता है, चलो होप सो फास्ट हो जाए। चलो ध्यान से देखते हैं, अब हम आते हैं वापस से उस चीज पे, अब कन्वेक्स लेंस मिरर पे आते हैं, ध्यान से देखिए कन्वेक्स मिरर को। तो अब मेरा यू इन्फिनिटी था, फोकस 20 था, तो वी कितना आया था, कितना आया आप लोगों का कन्वेक्स मिरर के लिए?
इसमें मैग्निफिकेशन जीरो होगा बेटा, जीरो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता है, ऑब्जेक्ट दिखेगा। हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा फिर? तो हाइट ऑफ जब मैग्नीफिकेशन जीरो है तो हाइट ऑफ इमेज भी जीरो होगी। जीरो यस सर, यस सर, ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन जीरो, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा मैं सारे सारे डायग्राम एक साथ बता दूंगा, अभी पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं सभी, ताकि जिन बच्चों ने ना भी लिखी हो वो लिख ले। अच्छा सेकंड वाले केस में वी कितना आया था? बोलो जिसने कराया एक्चुअली में ज्यादा हाइट ऑफ इमेज है 0.5 है, सर 0.5 है शायद, यस सर 0.5 है हाइट ऑफ इमेज। अरे मैंने करा 0.5, अच्छा 2 सेंटीमीटर था, ठीक है ठीक है, यस सर 0.5 है सर, 0.5 सेंटीमीटर। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर इसमें v 40/3 अरे कोई बात नहीं, 13/3 रख रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 40/3? 1/3 और हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 2/3। तो हर एक केस में 1 से कम आ रहा था। हाँ मैग्निफिकेशन हर एक में कम ही आएगा, अभी और चीजें भी देखते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा 30 जब आया तो वी कितना आया था? 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना होगा? 2/5 मतलब 0.4 है ना? यस सर। ओके तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई हमारी? 0.8 लिख दिया। हाँ बेटा बोले सर, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती ना? मैग्निफिकेशन की क्या नहीं होती? यूनिट, यूनिट सर, यूनिट। हाँ बेटा नहीं होती, क्योंकि वी अपॉन यू ही है ना, तो यूनिट नहीं होती बिल्कुल। ओके सर, ओके। इसके बाद जब हमारा माइनस 20 था तो वी कितना आया? सर 10 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
और हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर ओके और जब u हमारा -10 था तो वही कितना आया 20/3 ओके सभी का लिख दिया है कितना आया सर 1.3 सर 1/3 सर 2/3 और हाइट ऑफ इमेज 4/3 ओके 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 अच्छा आप ध्यान से देखना सभी सभी को वैसे दिख रहा होगा लेकिन मैं बस वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी स्टाइल मार रहा हूँ आप लोगों के आगे ध्यान से सुनना क्या सभी को दिख रहा है वी जो है डायरेक्टली कम होता चला जा रहा है यस सर यस सर ओके ध्यान से सुनना बेटा ये तो हो रहा है मुझे क्या बताओ आप इसका अब देखते हैं क्या हो रहा है ये बता सकता हूँ क्यों हो रहा है ये तो भगवान जाने सर यू भी कम हो रहा है इसलिए हाँ ध्यान से सुने अब एक मिनट तो हमने क्या कहा एक एक्सिस खींची हमने हमने इस तरीके से एक मिरर ले लिया ये मिरर को हमने अंदर से हमने कोटिंग कर दी इसके बाद इसका जो फोकस है वो हमने यहाँ ले लिया और कर्वेचर थोड़ा और इधर करना पड़ेगा जस्ट इधर कर लिया और हमने कर्वेचर जो है एक सेकेंड हिल जा भाई हिल जा हाँ हिल जा
हाँ हो गया। तो हेंस मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा कर्वेचर होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या कहा, जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो इन्फिनिटी पे है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे तो लाइट रे कुछ ऐसे पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से। यस सर। यस सर। और फोकस से निकलेगी, तो फोकस से निकलने के लिए हमने क्या किया, फोकस से हमने कुछ इस तरह से ऐसे कर दिया। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हमारी डॉट रे हाँ बेटा कर रहा हूँ यार ये सारी आ जाती है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से इसी तरीके से सेम आप लोग नीचे से भी एक लाइन खींच देना, या हम एक मैं खींच देता हूँ, क्यों मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, जब बनाई रहे तो ढंग से बना ले। ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमने ये ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे, तो जो इमेज है वो यहाँ पे हमारी फोकस पे बनेगी, तो हमें पता ही है कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया। तो यहाँ से लाइट रे इधर गई, यहाँ से इधर गई, और यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, ये काटा ये काटा। सभी को ये समझ में आया कि जो इमेज बनी वो हमारी फोकस पे बनी, यहाँ पे देखो yes, आ गया ये प्यारी सी yes, तो इसमें इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल एंड पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और क्या था, फोकस मेड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म दैट फोकस, इमेज is formed at focus. क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Sir. Yes sir. हाँ बेटा. सर एक बार summarize कर देंगे? इस चीज को बेटा अभी तो बेटा कर रहा हूँ, पहले पूरा complete तो उन दो फिर summarize करूँगा। Okay. एक बार complete हो जाए फिर summarize कर दूँगा। ध्यान से देखिएगा अभी। हाँ. बोले. सर कुछ नहीं सर, इसके बाद पूछूँगा। Okay ठीक है बेटा। ध्यान से देखें, अब मैं अगला केस ले रहा हूँ जब हमारा u जो था वो 60 था, माइनस 60, और v था हमारा प्लस 15। ध्यान से सुनिएगा। तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा कोई काम का नहीं है, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। अरे बंदा ये वाला, ये हुआ हटा, ये भी हटा, ये भी हटा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया वो माइनस 60 पे लिया, तो माइनस 60 करीबन करीबन यहाँ पे होगा। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली, वो लाइट रे इस तरीके से ही जाएगी और यहाँ पे आगे चली जाएगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर क्लियर। वैसे आप लोगों ने काफी उन्हें बना लिया था रे डायग्राम, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं बनाया था, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें से एक लाइट रे ऐसी पास करो जो हमारे कर्वेचर के पास जाए, कुछ इस तरीके से ऐसे। क्या ऐसे ही जा सकती है? सभी को चीज समझ आती है? अब ध्यान से देखिएगा, अब भाई कर्वेचर पे तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ से कट जाती है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे काट दिया ताकि डॉटेड रहे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि लाइट रे जब इधर जाएगी तो इसी से टकरा के वापस आ जाएगी, क्योंकि कर्वेचर से पास हो रही है तो 90 डिग्री पे ही होगी। सेकेंड रूल सर हम अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि सर फिर हमारे पास जो लाइन जाती है वो पैरेलल नहीं होती फोकस से, अगर जाती तो हाँ फोकस से जाती तो पैरेलल हो जाती। हाँ इसमें एक्चुअली बस यही दो, मतलब आसान, इसका आसान तरीका क्या है, इसमें सिर्फ यही दो चीजें लगती है हमेशा, और कुछ लगता ही नहीं है इसमें। डायरेक्ट फोकस पे डालोगे तो क्या करोगे, दोबारा पैरेलल आके वो वापस इधर आ जाएगी, ऐसे यही तो होगा और क्या होगा। वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप यही मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो। इमेज फोकस पे बनेगी? नहीं बेटा, इमेज तो यहीं से बनेगी ना, जहाँ से ये वाली लाइट रे, दो लाइट रे जहाँ टकराती हुई लगेगी वहीं बनेगी, जहाँ पे लगेगा कि दो लाइट रे टकरा रही है वहीं तो बनेगी, ऐसी थोड़ी कहीं भी बन जाएगी। नहीं सर, अगर मैं एरो हेड से मैं अगर फोकस तक बनाऊं लाइट रे, अभी मैं एक बार कर देता हूँ, मैं एक मिनट रुक जाऊँ, मैं अभी कर देता हूँ, पहले एक बार इसको कम्प्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार और कर लेता हूँ, ध्यान से सुन देंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जो अब इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। छोटी सी इमेज, अब ध्यान से अगर हम देखें तो ऊपर जो हमारी जितनी भी वैल्यूज थी मैग्निफिकेशन की, ध्यान से देखो कोई भी वन नहीं थी, सब वन से छोटी थी, तो वन से छोटी थी इसका मतलब हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी। क्या सबको ये भी समझ में आता है? हाँ बोले
सर बट हमें पता है सर कि जब हम मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं तो सर वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो सर उस केस में तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वन आएगा। वन आएगा लेकिन वो बिल्कुल जब बिल्कुल पास वाला केस होगा तो तब होगा ना, उससे पहले तो सब कुछ में वैसे ही रहेगा ना। ओके सर। ओके यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यस सर। यस सर। मैं एक बार पहले ये बना लूं, मैं फिर मतलब फिर आगे एक और चीज बताता हूँ। सर बना नहीं बनाया बेटा, जिसने नहीं बनाया उसके लिए बात कर रहा हूँ ना मैं। सभी ने बना लिया है क्या ये वाला? सर हम इतने पोल से भी तो ले जा सकते हैं क्या बेटा? पोल से बेटा ले जा, आप चारों में से कोई भी सकते हो लेकिन ये सबसे आसान रहता है। मेरा तो बस ये जैसे बनाना है आप वैसे बनाओ, कोई मतलब वो नहीं है। ओके आप पोल से भी ले जा सकते थे। आप एक बच्चा जो ये कह रहा था कि भाई हम फोकस से तो ले जा सकते थे, तो बिल्कुल ले जा सकते थे। आप ऐसे कर सकते थे कि ये इस पे ऐसे टकराता, तो वैसे टकराने के बाद जब भी फोकस से पास करेगी तो लाइट रे क्या हो जाती है? पैरेलल। तो लाइट रे पैरेलल हो जाती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से ऐसी एक सीधी लाइन ऐसे आ जाती है, ऐसे चली जाती है। पर सर इसमें जो इमेज बनेगी फोकस पे नहीं बनेगी, क्योंकि जो दोनों है वो नहीं फोकस पे। तो सही बेटा क्यों बनेगी फोकस पे? फोकस पे कहाँ बनेगी ये वाली? ओके सर समझ गया, वो रिफ्लेक्टेड रे को हम करते हैं। हाँ, को नहीं। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आएगी? ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी और ये यहीं पे आएगी वापस। यस सर। ओके सर समझ। सब बात क्लियर है? यस सर आगे कराओ। हाँ बेटा सर जैसे कि हम जानते हैं सर कि सर एक ऑब्जेक्ट में सर बहुत सारी रेज निकलती है सर, ठीक है? और सर वो सर ऐसे तो बहुत सारी इमेज बन जाएंगी और सर मैं वो इमेज पहले देखेंगे सर। एक मिनट आराम से। सारी लाइट रेज एक ही जगह पे जाके मिलती है तो बहुत सारी इमेज नहीं बनती, एक ही बनती है। बहुत सारी लाइट रेज निकलती है लेकिन सारी रेज लगभग एक ही जगह पे जाके मिलती है, इसलिए वो बात कर रहे हैं बस। तो सारी रेज जाके एक ही पॉइंट के आसपास ही रहती है तो इसलिए एक ही इमेज बनती है, ज्यादा नहीं बनती। ब्राइटनेस बढ़ा देती है। हाँ वो ब्राइटनेस बढ़ा देती है तो ना इंसाफी है। मोस्टली जहाँ पे जाती है सारी लाइट रेज तो एक जगह पे नहीं जा सकती, बट मोस्टली जहाँ पे। हाँ बिल्कुल मोस्टली जहाँ पे जाती है। और इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चाहिए होती है, इसलिए आपके डायग्राम नॉन टेरेक्सियल में जाती है ना। हाँ नॉन टेरेक्सियल में जाती है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब किसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा और लोगे ध्यान से सुनिएगा, किसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। अब इसी के अंदर हम क्या कह सकते हैं, अब देखो इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने यहाँ पे लिया ये वाला ऑब्जेक्ट, क्या इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे भी ले सकता था जैसे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं जब हमने अलग अलग केसेस जो हम ले रहे हैं? हाँ जैसे हमने कॉन्केव पे किया था, ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक्चुअली मैंने दो ही केस होते हैं, एक होता है एक होता है इन्फिनिटी पे और एक होता है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। दो केस किस लिए? पोल। हाँ पोल। तो इन दो केस ही किस लिए? क्योंकि बाकी सब देखो तो आप सबके अंदर आपकी इमेज जो है वो वर्चुअली बन रही थी। सब में देखो जो वी आया वो सब में पॉजिटिव ही आया है, जबकि जब हम कंकेव कर रहे थे तो उसमें अलग अलग आ रहे थे, इसलिए सबको आपको अलग अलग कराते हैं। मैंने आपको इतने केस इसलिए कर लिए ताकि आपको ये कन्फर्म रहे कि भाई वर्चुअली बनती है, मास्टर जी झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए हमने ये देख लिया कि जितना हम यू को पास आते जाते हैं V उतना ही कम होता चला जाता है। और यही चीज देखो यहाँ देख रहे हैं, अभी देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ उससे कैसे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। तो हमारा पहली चीज तो ये कि ऑब्जेक्ट अब हमारा पास आ गया, ठीक है? ऑब्जेक्ट जब पास आ गया तो हमारी सिर्फ ये वाली जो लाइट रही हट जाएगी, पैरेलल तो देखो वैसी रहेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखना। यस सर। अब जो कर्वेचर वाली लाइन है उसमें क्या होगा, जो एक वापस एक लाइन खींचो जो कर्वेचर की तरफ जा रही है, ध्यान से देखो क्या पहले से और अब के रिस्पेक्ट में क्या सभी को दिख रहा है कि इमेज की साइज बढ़ गया है? Yes, पहले यहाँ मिली थी, अब देखो यहाँ मिल रही है। Yes, sir. क्या सभी yes, को साइज बढ़ रहा है? अब यही चीज क्या आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो? ध्यान से देखें, अब भाई यही चीज आप कर सकते थे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और आगे ले आऊंगा तो वो थोड़ा और कर्वेचर से और आगे काटेगी, थोड़ा और आगे ले आऊंगा तो कर्वेचर को यहाँ कहीं काटेगी, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से वो जो मैग्निफिकेशन था वो साइज बढ़ता जा रहा है मैग्निफिकेशन का, इसीलिए वो सब चीजें हो रही हैं। इसीलिए जो वी है ध्यान से देखो, वी कम होता जा रहा है,
तो वी कम होता जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि जो वी जो इमेज बन रही है वो फोकस से आगे की तरफ आती चली जा रही है। क्या सबको समझ में आ रहा है? लार्ज होते जा रही है। यस सर, इमेज बढ़ती तो जा ही रही है। इमेज जब ऑब्जेक्ट हमारा पास आ रहा है मिरर के, तो इमेज जो है वो फोकस से आगे की तरफ आ रही है, पोल की तरफ, और दूसरा इस जो इमेज है इसका साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके, अब अगर इसी को मैं, जैसे हमने आपको, मैंने आपको पूरा डायग्राम बनवाया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक बनवा रहा हूँ, लेकिन ये उससे थोड़ा आसान रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ये एक मिरर ले लेते हैं। ये हमने मिरर इस तरह से ले लिया। तो इस मिरर में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनी थी हमारी, आप लोगों को याद होगा, फोकस पे बनी थी। सभी को याद है। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो इमेज भी पास आती जाएगी, और ये इमेज कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में बनेगी। क्या सभी को समझ में आया? ये किया क्या मैंने अभी? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया ये वाली चीज? ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। यस सर। इमेज बता दो, ये वाला बता दो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज जो है क्या वो फोकस से दूर होती चली जाती है और पोल के पास आती है। यही अभी देखा था हमने, जो हमने डाटा देखा, कौन सा डाटा? ये वाला। इसमें देखो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे देखो यू था, इन्फिनिटी था, माइनस इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनी वो प्लस 20 पे बनी। जब माइनस 60 पे आया तो इमेज 15 बनी। देखो जो यू था वो कम होता जा रहा है तो वी भी कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जा रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आती जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। इमेज तो बढ़ती जा रही है, तो मैंने दोनों को समराइज करने के लिए उसको ये बना दिया कि ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम है लेकिन इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और आगे आता जा रहा है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, जैसे कॉनकेव में आगे जाते हैं तो स्लैंट ये सब होता है, ऐसे इसमें ही होता है। इसमें, हाँ, इसमें बस यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। यस सर। क्या सभी को यहाँ तक? हाँ बेटा, आराम से ड्रॉ करो, बिल्कुल ड्रॉ करो, ड्रॉ करना तुम्हारा जन से अधिकार है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर, स्टूडेंट से बोलना है कोई लेफ्ट मत करना क्लास ओवर होने के बाद। ओके मैम। ये इनको भी नहीं आता क्या मैम डीपीपी करना? ओके मैम। नहीं नहीं सर, इनको और चीज करानी है। ठीक है मैम, ठीक। ओके मैम, मैं आपको 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ कोई बात नहीं, बस स्टूडेंट लेफ्ट मत करना। हाँ हाँ मैम, नहीं छोड़ के जाएंगे। ओके, कहाँ गया हमारा माउस? पेन रुक गया मेरा, थोड़ा रुक जा सर। हाँ हाँ बेटा, तुम करो आराम से, मैं तो कुछ और करने लग रहा हूँ। जान से बना लेगा। यस टेंथ, एक तो टेंथ की एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, दो बजे कैसे काम चलेगा ऐसे। एक सेकंड, डाउनलोड कर लो। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब क्या होगा। ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका एनसीईआरटी में? सर 10 है। सर 10। सर 10। सर 10। ओके गुड। एक सेकंड, हो गया बस। सर इसकी डीपीपी अपलोड हो जाएगी? हाँ बेटा मैं कर दूंगा, मेरा इसकी डीपीपी कल के लिए तो नहीं कहता लेकिन मैं कर दूंगा। ओके सर, कोशिश तो यही है कल तक ही हो जाएगी, बाकी आई ट्राई कि कल शाम तक हो जाए। सर मेरा एक डाउट था। हाँ सर, जो सर पहले क्लास 9th में हीट चैप्टर भी हुआ करता था क्या? क्लास 9th में नहीं बेटा, अभी तक तो पिछले 3-4 साल से तो नहीं है, 4 साल तक तो मुझे पता है।
सर उससे पहले का मतलब बहुत पुराने समय से अगर मैं देखूं तो हो सकता होगा, क्योंकि जैसे अच्छी बुक होती है ना, जैसे नाइन्थ क्लास की पियर्सन वगैरह होती है, उनके अंदर उन्होंने हीट नाइन्थ क्लास में दे रखा होगा। हां सर, पियर्सन पढ़ी है मैंने, तो उसमें वो दे देते हैं। नहीं सर, वो आर्क मैं डीपीपी खोज रहा था उसकी नाइन्थ क्लास की फिजिक्स की, तो उसमें हीट की भी डीपीपी डाल रखी थी क्या? अरे डीपीपी तो मतलब अगर ऐसे देखोगे तो पता नहीं, अरे यार ये बंद हो गया। वो भी शायद सर एक बार वो बता दे। क्या बेटा? सर एक बार वो बता देना कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में सर वो मिड वाला जो पार्ट होता है वो सर प्लेन मिरर को कैसे एक्ट करता है? बेटा वो बस जब बैटरी वो बहुत ज्यादा पास हो जाता है तो कर्वेचर उसका काम नहीं करता, उसमें बस इसको इतना ही ध्यान रख लो। सर एक चीज से याद रख सकते हैं कि जो मिरर होता है वो बहुत ही बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, और सर उसका एक फ्लैट पार्ट लेंगे तो वो एक टाइप जहाँ पे देखेंगे तो सर वो एक टाइप से फ्लैट ही काम करता है, ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बच्चे चले गए हैं क्या? बच्चे कुछ बच्चे जा रहे हैं यहाँ से? सर बच्चे मैदान छोड़ के, कोई बात नहीं, अब अब हमें थोड़ा सा एक दुश्मन दिए। अरे रुक जाओ, अभी काम कर लो, चुप रहो, दो मिनट देखो, ध्यान से सुनना एक मिनट। आप लोग अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को इतना काबिल बना दिया है। अब ध्यान से एक बार सुन लो, मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक बार मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुने क्या लिखा है। देखो, अ कनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो क्या आप लिख सकते हैं f इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर? हमें तो मिरर देखना है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ ये तो नहीं ये प्लस होगा, कनकेव लेंस है ना, तो अभी छोड़ो एक मिनट रुको, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुको। सर 15th मिरर का, ओके हाँ ये 15th क्वेश्चन, ध्यान से देखें तो क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर हमारा कुछ कुछ ऐसे बनाते हैं हम, उसको ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है वो, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखी है, तो प्लस 18 या 18 लिख दिया, 18 कुछ हमारा यहाँ पे मान लो 18 हो गया। अच्छा, इसका जो कर्वेचर होगा वो कितना होगा, 36 होगा। इसके बाद क्या बोला उसने, जो पोजिशन है वो 27 है, तो 27 कुछ 18 और 36 के आस पास होगी, तो 27 ये होगी। yes, सभी को ये चीज क्लियर है? तो 20 यहाँ पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट ये वाला। ध्यान से देखो, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है, प्लस 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब U कितना लोगे आप लोग? U अच्छा, फोकल लेंथ कितनी लोगे? क्या V निकाल सकते हो? निकाल सकते हो माइनस वी बाई यू करके? क्या हाइट ऑफ मिरर निकाल सकते हो? यस सर, निकाल लेंगे। यस सर, मिरर से रिलेटेड हो जाएगा यू सर, वी माइनस 50 हो जाएगा। ओके, एम इज इक्वल टू, निकाल लिया m is equal to minus 2। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो। v 54 लेके मैं बस एक चीज बता रहा हूँ। देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कर्वेचर से आगे होता है तो इमेज जो होती है वो कर्वेचर से बाद बनती है। यस सर। और ध्यान से, यस सर, तो ध्यान से देखना, सॉरी बेटा गलती से बन गया। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जब ये 54 है तो इमेज बाद में बनेगी, तो मतलब ये हमारा सही आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि हम बस पता लगा पाए कि कोई चीज सही है या नहीं है, ठीक है? तो बस हमारा इम्पोर्टेंट यही था। अब इम्पोर्टेंट मतलब तुम्हारे एक क्वेश्चन अप टू मिरर हो चुका है सारा कुछ, ठीक है? अगली क्लास में हम एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद फिर हम अब हम लेंस शुरू करें, मतलब आपका ये रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे, आपका रिफ्लेक्शन लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है? यस सर। ओके सर, इसकी डीबी पूरा खत्म हो गई ना सर? क्या? हाँ बेटा बोले अभी। सर हाइट ऑफ द इमेज साइज ऑफ द इमेज सेम ही है ना सर? हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, हाँ बेटा बिल्कुल सही, सेम ही है, ऑब्वियसली सेम है, कैसी बातें कर रहे हो? सर स्फेरिकल मिरर में तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, इससे ज्यादा तो प्लेन मिरर में ही था। वो बेटा मैंने करा दिया तुम्हारे लिए, ठीक है? इसमें भी बहुत कुछ है कि वो मैं करा नहीं। हाँ सर, वो तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं रखा। हाँ बस वो लेवल है उसका, एक्चुअली उतना ही है, वो बच्चों को वो भी समझ में नहीं आता, वो बात अलग है, ठीक है? अभी तुम छोड़ो बात की बातें, अभी तुम्हें ये सब समझ में आ गया। सर एक बार, यस सर,
हाँ बेटा बोले, टेस्ट का सिलेबस यहाँ तक ही आएगा? हाँ बेटा यहाँ तक पूरा आएगा बिल्कुल सर। क्या बेटा नहीं, पुराने वाला नहीं डालूंगा बेटा मैं, पुराने वाले नहीं डालते, पुराने वाले नहीं आएंगे। बेटा रूल है कंपनी का, मैं क्या करूंगा, उसमें ये हो जाता है ना आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाती है ना सिर्फ उस चैप्टर की। अब एक चैप्टर की तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, दो चैप्टर्स की इतनी बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, तो बस कोशिश करना सर बेहतर है ना, बस बाकी अभी नए चैप्टर का आएगा। ठीक है ओके सर। सर एक बार सर रे डायग्राम की भी प्रैक्टिस करा दीजिएगा सर। बेटा एक मिनट, जो बच्चा रे डायग्राम के लिए कह रहा है मेरा बच्चा, वो जो ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं उन्हीं को बार बार एक बार बना लो, और जो क्वेश्चन मिलता है उसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। अगर एग्जैक्टली वैसा बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे मतलब अगर कोई डाउट लगता है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको उस हिसाब से बता दूंगा आपको। ओके सर ठीक है ना। ओके हाँ, आपकी आवाज गूंज रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर मैं कह रहा हूँ अभी से नाइन्थ का रिवीजन शुरू कर दे क्या? बिल्कुल कर सकते हो, अपने एंड पे तो आप कर सकते हो। ओके सर पूछ लेंगे आप। क्या कह रहे बेटा? सर मैं ये कह रहा था कि यही चैप्टर आएगा। हाँ बेटा यही आएगा बस पेपर में।